अपने फोन को अनलॉक करने का तरीका यूट्यूब पर ढूंढते ढूंढते थक चुके हैं। आप लोगों ने बहुत सारा वीडियो देख लिया और आपका फोन अनलॉक नहीं हो रहा। तो गाइस आप लोगों ने बहुत सारा वीडियो देखा हो, लेकिन हमारा वीडियो थोड़ा हटके है। तो सिंपली आप लोग इसे देख करके आप लोग 110% हम गारंटी लेते हैं कि आपका फोन अनलॉक हो जाएगा। तो गाइस चलिए आज का वीडियो को करते हैं शुरू। तो गाइस अगर आप लोग के पास ओप्पो वीवो रियलमी नोकिया ना जो किसी भी कंपनी का फोन है लॉक हो चुका हो, हमें उससे मतलब नहीं है। किसी प्रकार का लॉक, पिन लॉक, पैटर्न लॉक, हमें किसी भी चीजों से मतलब नहीं है। सिंपली हमें मतलब है आपके फोन को लॉक होने से। तो कैसे अनलॉक करेंगे आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताते हैं। तो सिंपली वीडियो करते हैं शुरू। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है हमें वीडियो बनाने में। तो कैसे अगर आप लोग के पास पर्सनल ओप्पो का और रियलमी का अगर फोन है और सिंपली अनलॉक नहीं हो रहा, तो सिंपली आप लोग इस कोड को जो है, अगर इस कोड से भी अनलॉक नहीं होगा तो सिंपली जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा ओप्पो का, एक रियलमी का लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहां से क्लिक करके अपने फोन को अनलॉक कर लीजिएगा। वहां से भी 110% गारंटी कि आपका फोन अनलॉक हो जाएगा। ऐसे तो यहां से भी अनलॉक हो ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार गाइस, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लॉक। तो गाइस आज के वीडियो में हम करने वाले फोन को अनलॉक। तो सिंपली अभी देखिए इस फोन में लगा हुआ 6 डिजिट का कोड, जैसा कि पहले आपको बता दें कि जीरो नहीं, आपके फोन में भी जो है 6 डिजिट का कोड, यानी लॉक ही पैटर्न भी हो सकता, पिन भी हो सकता। तो इसे अनलॉक करने के लिए आपको क्या करना है, इमरजेंसी कॉल का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्या करना है, आपको क्लिक करना, अपने फोन में एक कोड डायल कर लेना है। ये ध्यान रखिएगा, ये कोड आप लोग को डायल करना अपने फोन में। कोड को सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, लिख लीजिए, और वीडियो का नहीं होता तो वीडियो का स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, इस पर जो है 7 टाइम ओके करने के बाद आपको इस नंबर को तुरंत डिलीट करके अपने फोन में *#899 और हैश डालना है। तो जैसे आप लोग हैश डाले तो आप लोग के सामने यहाँ पर दिख रहा होगा इंजीनियर मोड ओपन हो जाएगा। तो इंजीनियर मोड ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारा ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल रहा है। गलत ऑप्शन पर क्लिक मत कीजिएगा सिंपली, ठीक है। गलत ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आपको और ज़्यादा लफड़ा में फंस जाएगा। मैनुअल टेस्ट पर आपको क्लिक करना और इस प्रकार से फोन को स्क्रॉल कर देना सिंपली, जो यहाँ से आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन पर क्लिक करके अपने फोन में लगे हुए सेंसर को क्या करना है आपको चालू कर देना, ठीक है। तो हमें एक सेंसर पास की जरूरत है, जो कि हमारा यहाँ पर 2 सेंसर पास हो चुका है, लेकिन जो पास हो जाएगा उसको इस प्रकार से क्लिक कर दीजिएगा। तो ये जरूरी नहीं कि आपके फोन में भी 3 ही सेंसर, आपके फोन में 2 भी हो सकता है, तो 2 भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। तो पास होने के बाद आपको बैक करके जायोस्कोप पर जाना, जायोस्कोप सेल्फ टेस्ट को स्टार्ट कर दिया। देखिए टेस्टिंग हो रहा है, टेस्टिंग के बाद जो ये पास हो जाएगा, ठीक है। ये फेल हो रहा है लेकिन आपको इससे पास करवाना है, ये हर हाल में कंपलसरी ये पास होगा तभी कुछ होने वाला है। ये देखिए 2 बार में पास हो चुका, तो 2 बार में से जेनुअली पास होगा नहीं, अगर हो गया तब तो वो बाई किस्मत आपका। तो आप क्या करना है, बैक करना है और फिर से बैक करके यहाँ पर जो है एम सेंसर पर क्लिक कर दीजिएगा। और इस प्रक्रिया को कम से कम आपको 5 से 10 सेकंड तक आप लोगों को ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है, 5 से 10 सेकंड तक, ज़्यादा नहीं। तो 10 सेकंड मेरा हो चुका है, बैक कर लेते हैं और सिंपली एम सेंसर ऑटो टेस्ट को सक्सेसफुली पास करवा लीजिएगा यहाँ से। उसके बाद को क्या करना है, बैक करना और लास्ट में चले जाना है आपको अदर्स पर। अदर्स पर जाने के बाद रीड राइट इंपोर्टेंट लॉक टेस्ट मिलेगा, कंफर्म करने के लिए बोलेगा ओके करें, लेकिन पहला बार कैंसिल कीजिएगा, दूसरा बार भी आपको कैंसिल ही करना है, तीसरा बार आपको ओके कीजिएगा तो यहाँ रॉन्ग पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। की स्टेटस पर क्लिक करके सारे की को आपको पास करवा करके बैक करके रीडिंग रिसेट कंप्लीट इंडिकेटर को सक्सेसफुली पास करवाइए और इस प्रकार से फोन को स्क्रॉल कीजिए, आपका फोन जिस कंडीशन से लॉक होगा उस कंडीशन में वापस आ जाएगा। तो आई होप कि आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, अगर आप लोगों का कोई कमेंट है, कुछ भी पूछना है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ दीजिए। तो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।